ध्यान दीजिए बैठो। हम लोग लास्ट क्लास में काम किए थे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूफ भी किए थे। प्रूफ करने के लिए किसका यूज किए थे? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने प्रूफ किया था कि हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास था एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बाय टू ए, है ना। इसी को मैंने दो भाग में वर्गीकृत किया था। एक फर्स्ट पार्ट था माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac बाई 2a, और सेकेंड पार्ट मैंने प्रूफ किया था x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई, है ना। इस दोनों को मैंने अच्छे से प्रूफ किया है, प्रूफ किया। यहां तक सब कर लोगे, यहां तक चल रहा है फॉर्मूला में। ए बी सी यहां तो क्या है, ए कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, बी कोफिशिएंट ऑफ x है, सी कॉन्स्टेंट। एक तो ये मेन हुआ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को बच्चों अप्लाई करना। अब मेरा सवाल यहां पर यह है कि अगर बिना आप x का मान निकाले हुए चेक करना चाहते हैं कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा है, रूट्स कैसा है मतलब क्या, x का दोनों मान इक्वल आएगा, x का दोनों मान अनइक्वल आएगा, x का दोनों रियल आएगा कि रियल नहीं आएगा, इसको बिना सॉल्व किए हुए कैसे निकालोगे, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट। मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान देना, मैं आपको अभी तीन इक्वेशन दूंगा, तीनों में आप देखो x का मान क्या क्या आता है। मान लो पहला इक्वेशन हमारे पास है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस, ठीक है। दूसरा इक्वेशन मान लो हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और तीसरा मान लो हमारे पास है x स्क्वायर, अपने मन से हम सेट कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 4a प्लस 8 दिया हुआ। तीन तरह के इक्वेशन दिए गए हैं, 4a प्लस 9 मान लो, ठीक है, सही है। तीन तरह के इक्वेशन दिए गए हैं और आपको रूट्स निकालने का आता है, रूट्स का नेचर। अभी आप लोग को रूट्स का नेचर निकालने कहेंगे, तीनों में x का मान निकालिएगा, है ना। तो तीनों में x का मान कैसे निकालेंगे सिखाते हैं, हम उस फॉर्मूला का यूज करते हैं, उसके बाद सिखाएंगे बिना निकाले x का मान कैसे करोगे, ध्यान देना। कभी इस केस में a का मान कौन है 1, b क्या है 4, c क्या है x का मान निकालना ना, हम चाहें इसको फैक्टराइज कर निकाल सकते हैं, नहीं निकालना, निकालना फॉर्मूला यूज करना ताकि फॉर्मूला आपका प्रैक्टिस हो पाए। बोलो फॉर्मूला क्या पढ़ा है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट कितना बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a पढ़ा है ना। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ ऑल द रूट्स इन दिस थ्री इक्वेशंस। तो एट फर्स्ट यू हैव माइनस बी, बी मीन्स व्हाट, बी मीन्स व्हाट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स चार का स्क्वायर, बी मीन्स चार ना, चार का कितना हो गया 16, माइनस 4 ए सी, 4 इंटू ए मीन्स व्हाट 1, और सी मीन्स व्हाट सी 4 है ना, बाय 2a मतलब 2 इंटू व्हाट 1, माइनस 4 प्लस माइनस 16 माइनस कितना 16 कितना होगा 0 का रूट क्या होगा 0, सही आता है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। अरे 4 चौक 16 गुना 1, 16 में 16 गया 0 का रूट 0, और माइनस 4 इसको दो हम जोड़ते हैं ना, एक तो माइनस 4 प्लस 0 बाय 2 और दूसरा माइनस 4 माइनस 0 बाय 2, एक बार प्लस लिए माइनस लिए यार, ठीक है। बोलो सॉल्व में कितना आएगा ये, माइनस 4 प्लस 0 बाय 2 माइनस 2 ये कितना होगा माइनस 2। बोलो एक्स का दोनों मान सेम डिफरेंट है, एक्स का दोनों मान दिख रहा है यहाँ सेम है नहीं है, इसका मतलब दोनों मान सेम भी है, एक्स का दोनों मान रियल है कि नहीं है, रियल भी है, माइनस 2 रियल नंबर नहीं है, माइनस 2 रियल नंबर है क्योंकि माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाए, जिसका स्क्वायर करने पर प्लस हो जाए समझ जाओ रियल नंबर है, इसका मतलब एक्स का दोनों मान रियल भी है और क्या है इक्वल भी है। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि रूट्स जो है वो क्या है रियल तो है ही और क्या साथ साथ है इक्वल, ये निकालने के बाद में चेक किए, अब एक ऐसा तरीका सिखाएंगे बिना निकाले तुम चेक कर सकते हो कैसे और क्यों उसको पढ़ाएंगे, ये बाकी है, पहले समझो पैसेज में आओ। यहाँ भी एक्स इक्वल टू क्या हो माइनस बी, और माइनस बी बी रूट पे काम कौन किया, बी रूट पे काम कौन किया बी माइनस 5, तो माइनस पहले से ही है, माइनस बी मीन माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर
मीन्स किसका स्क्वायर, मैथ पांच का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस 4 ए, ए मीन्स 1, सी मीन्स 6, बाय कितना 2a, 2 इंटू 1 सही यहां तक है, बाय 2a 2 इंटू 1 ठीक है। चलो बोलोगे यहां पर 25 चार चौक चौबीस, 25 में 24 गया कितना बचा 1, एक का रूट 1, मतलब इसको लिख सकते हो 5 प्लस में है ना, प्लस 5 क्यों हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, प्लस फिर सुनो 25 माइनस 24 एक एक बाय कितना 2, फिर 5 माइनस 1 बाय भाई, और एक बार वो प्लस लिए आया माइनस लिए आया ठीक है। सॉल्व को कितना आएगा ये 3 आएगा, ये कितना आएगा 5 प्लस 1 6 बाय 2 3 आएगा, 5 में 1 गया 4 बाय 2 आएगा। एक्स का दोनों मान क्या सेम है, रियल है, यस है, इसका मतलब यहाँ रूट्स क्या है रियल है और क्या है नहीं है, निकालने की बात है ना। तो यहां पर एक्स का मान निकालोगे तो एक्स का मान यहाँ क्या बनोगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 इंटू ए, ए मीन्स 1, सी मीन्स 9, बाई 2 ए 2 इंटू 1 सही है। इसको माइनस 4 प्लस माइनस कितना होगा 16 माइनस 36 कितना आएगा माइनस 20 सही है। तो रूट के अंदर क्या आ गया, रूट के अंदर माइनस साइन, रूट के अंदर माइनस साइन ये पहचान है कि रूट इमेजिनरी है, रूट के अंदर कभी भी निगेटिव आ जाए समझ जाओ रूट इज नॉट रियल, रूट क्या है इमेजिनरी है, इसका मतलब इसका रूट कैसा है इमेजिनरी है ना, इसका रूट को रियल नहीं कहेंगे इसको इमेजिनरी कहेंगे। और वही जाओ क्लास 10th में जाओगे 11th क्लास में तो इसी तरह के नंबर को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, वो रियल ऐसा रियल है, और रूट अंडर नेगेटिव माइनस 20 इमेजिनरी है, रियल और इमेजिनरी का जो कलेक्शन होता है सम या डिफरेंस उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 प्लस लिखा हुआ माइनस 2 3 कौन नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 माइनस अंडर माइनस 7 ये कौन नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मिलेगा 2 प्लस रूट 7 ये कौन नंबर है ये रियल नंबर है, रूट साथ है हमारे साथ नहीं है दैट इज रियल नंबर, मतलब कि ये आपको पढ़ना नहीं है क्लास 10th में, बस सिखा दिए कि रूट के अंदर नेगेटिव आ गया दैट इज इमेजिनरी, पॉजिटिव है तो रियल, पॉजिटिव में सेम आया एक्स का मान तो रियल इक्वल, डिफरेंट आया रियल और अनइक्वल, ये रियल और क्या है अनइक्वल है, ये रियल और क्या है इक्वल है ना, इक्वल रियल इक्वल रियल अनइक्वल इमेजिनरी, तीन तरह का केस है जो निकालने के बाद अभी चेक किया, अब बिना निकाले चेक कर सकते हो, एक फॉर्मूला है उसको जानने के बाद, वो फॉर्मूला को जानने के बाद बिना निकाले चेक कैसे कर सकते हैं क्यों कर सकते हैं इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए सर स्टार्ट कीजिए, चलिए ध्यान दो बात नहीं, रटना है तो रट सकते हो, समझना है तो एक तरीका है उसका, नेचर ऑफ रूट्स को जानने के लिए वी हैव टू नो अबाउट व्हाट We have to know about the fact discriminant, that is D. Nature of roots को जानने के लिए हमें जिस चीज को जानना पड़ेगा वो discriminant, discriminant मतलब capital D. अब capital D क्या होता है देख बहुत सिंपल, तो मेनली इमेजिनरी किसके कारण बना, रूट के अंदर वाले पार्ट के कारण बना, रूट के अंदर वाला पार्ट था क्या, रूट के अंदर का वाला पार्ट था बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई 2, अरे ये पॉजिटिव तो रूट पॉजिटिव रियल था, ये निगेटिव तो रूट क्या था एकदम, तीनों को मैं इसी फॉर्मूला से प्रूफ करूंगा, कैसे ध्यान से सुनोगे सर, इसको तोड़ेंगे बाबू अगर क्या आएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय 2, इसको तोड़ेंगे माइनस बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाय, सही है ध्यान सुनोगे हम तीनों केस को प्रूफ करेंगे इस फॉर्मूला से, अगर मैं पूछूं बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी क्या है, इसी को कहते हैं डी, ये क्या होता है डी, डी मतलब डी डी इसी को डी कहते हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में डी कहते हैं, इसी रूट के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव या जीरो तीन चल सकता है, अरे रूट के अंदर सॉल्व करने पर निगेटिव आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है या जीरो और तो कुछ संभावना नहीं है, यही तीन चीज तीन केस को बना दिया, अगर डी पॉजिटिव है, डी का मान मतलब पॉजिटिव मतलब तीन है चार है पांच है,
अगर टी का मान 3 है तो माइनस बी में कुछ जुटेगा, अगर टी का मान 3 है तो माइनस बी में कुछ 3 घटेगा, जुटेगा तो ऊपर में कुछ और बनेगा, यहां पर कुछ और बनेगा, फिर नीचे का पार्ट हुआ से ऊपर, यहां पर फिर तुम्हें क्या बोला डी का मान और पॉजिटिव है, माइनस बी में कुछ जुटेगा ना, और यहां माइनस बी में कुछ घटेगा, दोनों के ऊपर का पार्ट सेम डिफरेंट, ऊपर का पार्ट सेम आएगा, माइनस बी में कुछ जुटेगा, यहां माइनस बी में कुछ घटेगा, कुछ मतलब कुछ प्लस मान सकते, लेकिन जो कुछ जुटेगा जो कुछ घटेगा वो सेम ही चाहिए ना, और ये दोनों सेम ही नहीं है, माइनस बी में कुछ जुटेगा तो ऊपर अलग, जब इसका ऊपर अलग है इसका ऊपर अलग, ये पूरा अलग कि सेम डिफरेंट, ये पूरा सेम कि डिफरेंट, डिफरेंट हो गया ना, इसका मतलब ये हुआ कि इफ डी इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मींस मोर देन जीरो, देन रूट्स व्हाट व्हाट देन रूट्स आर रियल एंड व्हाट अनइक्वल, रियल क्यों है क्योंकि रूट के अंदर पॉजिटिव है, सही, अरे रूट के अंदर जो उसको डी कर रहे हैं डी आर पॉजिटिव है तो रूट क्या रियल है कि नहीं है, रूट के अंदर जो है उसको डी माने हैं, डी अगर पॉजिटिव है तो रूट रियल है ना, इसका मतलब माइनस बी में कुछ जुटा कुछ और आया, माइनस बी में कुछ घटा कुछ और लगाएगा, ये दोनों अलग अलग आया ना, नहीं आया, इसका मतलब ये पूरा पट अलग अलग आ गया ना, अगर डी पॉजिटिव तो रूट रियल तो होगा ही, रूट रियल पॉजिटिव आया, और अनइक्वल होगा, इक्वल क्यों नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ और है यहाँ ऊपर कुछ और है, मान लो बी का मान 4 है, सॉल्व पे 4 आई थी उसको, 4 में 3 घटा तो 7 आया, ऊपर 4 में 3 घटा तो कितना आया 1, दोनों के ऊपर अलग अलग पार्ट आ गया ना, जब ऊपर अलग पार्ट इसका मतलब ये दोनों के अलग अलग है ना, इसी को कहा गया अनइक्वल, और ये क्यों कहे डी पॉजिटिव आया, चलिए फर्स्ट केस में हो गया डी इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 मतलब रूट के अंदर का पार्ट 0, ध्यान देना रूट के अंदर का पार्ट 0 तो माइनस बी में जुटेगा 0, क्या बचेगा माइनस बी बचेगा, नहीं बचेगा, माइनस बी में घटेगा 0 तो भी क्या बचेगा माइनस बी बचेगा, और ये दोनों सेम आया डिफरेंट आया सेम आया, इसका मतलब डी अगर 0 होगा तो रूट तो रियल तो लागू होगा ही, क्योंकि 0 रियल नंबर है, रूट्स आर रियल एंड व्हाट इक्वल, कैसे कर दिया ना, रटना में भी डी इक्वल 0 रट लिया होता रियल, क्यों क्या मतलब पति की सुन है, अधिकांश बच्चा रटना है डी इक्वल 0 का मतलब रियल होता है, पॉजिटिव मतलब अनइक्वल होता है, क्यों होता है पता नहीं है, समझाना कुछ एग्जाम्पल देकर तीन, और तीसरा डी निगेटिव तो सब जानते हो, निगेटिव मतलब रूट के अंदर माइनस साइन, और रूट के अंदर माइनस क्या होता है इमेजनरी, तो क्या हो गया इसे कहते हैं इमेजनरी, क्या कहते हैं इसको हम लोग इमेजनरी, यही तीन केस को हम लोग प्रूफ कर दिए, इस तरह से प्रूफ कर दिए, और समझा दे एग्जाम्पल देकर, ये तीन केस को नोट कर लो बिल्कुल याद रखना, देखो सो दैट ऑन करना, सो दैट इक्वेशन 9x² + 7x - 2 = 0 has real roots and solve it. ठीक है एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं अभी ध्यान देना, शो करना है कि इस इक्वेशन का रूट्स रियल, शो बताओगे तुम, इस इक्वेशन का रूट्स रियल शो करने का मतलब क्या शो करना है, मतलब क्या करना है, कहां शुरुआत करें, इसके रूट्स को रियल शो करना है, रूट्स का नेचर कौन बताया था हमको, डी बताया था, डी निकालना है, तो सर डी निकालना, ठीक है, जहां भी कहे रूट्स को रियल शो करना है, रूट्स को इमेजिनरी शो करना है, रूट्स को इक्वल शो करना है, मैं डी निकालना है, डी बताएगा क्या, ठीक है, चलो ध्यान देना आप, डी डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डी का फॉर्मूला जस्ट क्या पढ़ाया आपको हम, डी स्क्वायर माइनस, जहां भी किसी क्वेश्चन में रूट्स को रियल शो करने का है, रूट्स को रियल इक्वल शो करने का है, इमेजिनरी शो करने का है, डी का फॉर्मूला, ठीक है, डी का फॉर्मूला क्या, डी स्क्वायर माइनस 4x, बढ़ाओ तुम्हें,
ए के रूप में काम कौन कर रहा है, बी के रूप में और सी के रूप में माइनस टू बैठो ठीक है। डी निकालना है ना, डी बताएगा रूट कैसा, बी स्क्वायर मीन्स सात का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए मीन्स सी मीन्स सात का स्क्वायर उनचास, नौ दुनी अठारह, अठारह चौक बहत्तर, माइनस माइनस प्लस बहत्तर, जोड़ेंगे कितना आएगा, नौ दो ग्यारह, सात चार ग्यारह एक, सही है। एक सौ इक्कीस बोलो पॉजिटिव की निगेटिव है ना, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज डी इज वट मोर देन जीरो, सही है। अरे डी का मान एक सौ इक्कीस आया, एक सौ इक्कीस पॉजिटिव है, सब पढ़े हैं एक सौ इक्कीस पॉजिटिव है ना, माइनस दो आता कर निगेटिव है, एक सौ इक्कीस पॉजिटिव है, दैट इज डी इज पॉजिटिव, दैट इज हम लोग कह सकते हैं रूट्स क्या है, रूट्स आर रियल तो है ये, और क्या है अनइक्वल है, हालांकि इसको लिखने की जरूरत यहाँ नहीं, क्योंकि आपको उसके रियल तो पढ़ना है ना, अगर डी जीरो भी आता तो भी रूट्स क्या आता, रियल भी होता, बट क्या तो वहां पर अनइक्वल नहीं, इक्वल डी निकल गया, डी से आपने शो कर दिया इसको कि रूट्स क्या है?